पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन सेवा भारती द्वारा संचालित बाल विकास विद्यालय खुशवालपुर में छोटे छोटे बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई। बच्चों द्वारा हाथों से निर्मित की गई वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी को शिक्षकों और अभिभावकों ने अवलोकन कर बच्चों की प्रतिभा को खूब सराहा। विद्यालय की प्रधानाचार्य ममता सक्सेना ने बताया कि उनका उद्देश्य बच्चों में छिपी प्रतिभा को उजागर करना है। बच्चों में अपार प्रतिभा है, यदि उनका सही समय पर सदुपयोग किया जाए तो उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाए तो बच्चों में अपार प्रतिभा निखर कर सामने आएगी। विदित हो कि ये विद्यालय सेवा भारती द्वारा निशुल्क चलाया जाता है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले 300 से अधिक छात्र छात्राओं को बस्ता, ड्रेस और पढ़ाई का सभी सामान, दोपहर का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इस विद्यालय में अभावग्रस्त परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विभाग संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ओम प्रकाश शास्त्री ने बच्चों और शिक्षिकाओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिस बच्चे ने जो चीज बनाई है वो उसकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। रेल का इंजन बनाने वाला बच्चा एक दिन इंजीनियर बनेगा, मंदिर बनाने वाला बच्चा एक दिन आर्किटेक्ट जरूर बनेगा। ये अपनी जो प्रदर्शनी है, ये अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में सेवा भारती द्वारा संचालित ये अपना बाल विकास विद्यालय है जो खुशालपुर में चलता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो विद्यालय है समाज के सहयोग से चल रहा है। हम बच्चों से यहाँ को शुल्क नहीं लेते हैं। बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उनकी यूनिफॉर्म, उनकी बुक्स, उनका सारा खर्चा विद्यालय समाज के सहयोग से चलता है। ये जो प्रदर्शनी है इसमें जो बच्चों ने सामान बनाया है बहुत ही कम खर्चे में, जो जैसे आप कंचे ले लीजिए या आप ले लीजिए, प्लास्टिक का जो LED बल्ब हैं वो खराब हो चुके हैं, प्लास्टिक की बोतल है, जो सामान हमारा खराब है उससे हमने इनको डेकोरेशन करना सिखाया है और ये प्रदर्शनी बच्चों की लगाई गई है। और विद्यालय में क्या होता है, अच्छे पैसे से बच्चा कुछ ना कुछ बना लेता है, लेकिन यहाँ परिवारों में आप आय का साधन नहीं है, कई परिवारों में भोजन भी नहीं बनता है, तो उन परिवारों से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और उनको हम बताते हैं कि हम कुछ भी चीज़ों से कुछ ना कुछ आकर्षक बना सकते हैं और अपने आप को निखार सकते हैं। ये विद्यालय में हमने ये प्रदर्शनी, किस कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं इसमें? यहाँ पर कक्षा प्रवेशिका से 8 तक के छात्र छात्रा विद्यालय में आते हैं और यहाँ पे 315 बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद।